गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और आज हम सीखते हैं बेसिक इंग्लिश स्पोकन में गोइंग टू के यूज कैसे होते हैं, कैसे सेंटेंसेज होते हैं। तो इसका पैटर्न आपको ये फॉलो करने का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, ये हुआ कि मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूं, मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूं। याद रहे कि गोइंग टू के बाद में यहां अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम सब्जेक्ट के साथ इजे मार्क लगाएंगे प्रेजेंट में, और अगर पास्ट है तो हम यहां पे वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और गोइंग टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने यहां पे आई के साथ एम लगाया, वैसे मैं पास्ट में यहां पे लगाऊंगा आई वाज गोइंग टू। अगर मैं पास्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू बाय अ टीवी। इसका अर्थ हुआ कि मैं एक टीवी खरीदने जा रहा था। तो गोइंग टू में दो तरह की वर्ब होती है, गोइंग टू और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पे आप आई व वी का इस्तेमाल करते हैं तो हम आई के साथ प्रेजेंट में एम लगाएंगे और वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यह है प्रेजेंट में। और उसी तरह से अगर आई के साथ पास्ट में वाज का यूज होता है, पास्ट में ठीक है, और वी में वर्ब का यूज होता है, वर्ब का यूज पास्ट में। उसी तरह यहां पे ही सी और इट के साथ में, ध्यान दे सर, ही सी इट के साथ में हम इज का यूज करेंगे, इसका यूज करते हैं। तो यहां पे ही सी इट के बाद में आप इज और गोइंग टू, और अगर प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम लगाकर गोइंग टू और वी के साथ आर लगा के गोइंग टू। अगर पास्ट में है तो आई के साथ वाज आ जाएगा और वी के साथ वर लगा के गोइंग टू। और उसी तरह पास्ट में ही सी और इट के साथ में हम वर का यूज करते हैं, वर का यूज पास्ट में। और यू के साथ में, ध्यान दें, यू के साथ में हम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और यू के साथ हम पास्ट में यूज करेंगे वर का, ये हमारे पास्ट में यूज होगा। तो इस तरह से आप गोइंग टू से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैं कहूं आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू टीवी सेट, आई वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, आई वॉज गोइंग टू समवेयर। इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि गोइंग टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और हम इसमें प्रेजेंट में इज मार लगा सकते हैं और पास्ट में वाज वर्ब लगा सकते हैं। और इस तरह से आप गोइंग टू के पैटर्न से एक नए सेंटेंस बनाना सीख सकते हो। इसके लिए आप ये पैटर्न जरूर फॉलो करें कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो इज मार हो चाहे वाज वर्ब हो, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इस तरह से आप नए सेंटेंस बना सकते हो। आप बना बना करके इनकी कोशिश कीजिए, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।